शहर में 9 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तेज धूप में पुलिस तैनात है। जरूरी काम के लिए लोग आ जा रहे हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे लॉकडाउन लगते ही प्रशासन की गाड़ियों के सायरन बजने लगे थे। बाजार में उमड़ी भीड़ को हटाने और खुली दुकानों को बंद करवाने के लिए प्रशासनिक महकमा काफिले के साथ सड़कों पर उतर गए थे। कलेक्टर गोपाल चंद दाट, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी स्वयं काफिले में शरीक थे, जिन्होंने तत्काल दुकानें को बंद करवाकर भीड़ को घर जाने की हिदायत दी। रतलाम शहर में आगजनी 9 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इस बार लॉकडाउन को लेकर दहशत कम आक्रोश अधिक नजर आ रहा है। लॉकडाउन की खबर मिलते ही शहर में 2 दिन खरीदारी के लिए जमकर भीड़ उमड़ी, जिससे सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भीड़ के कारण सड़कों पर हर तरफ जाम लगा रहता है। इस जाम में सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर कई बार एम्बुलेंस भी फंसी रही। शनिवार की सुबह मालिकुआ क्षेत्र की कुछ दुकानें खुली। जब एंड टाइम्स की टीम पहुंची तो दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। पुलिस ने लॉकडाउन के पहले दिन से ही सत्य दिखाते हुए प्रमुख चौराहों पर चेकिंग की, बिना काम के बहाना बनाकर घूम रहे लोगों को वापस घर भेजा। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित ट्रैफिक थाने के पीछे विद्युत पोल में अचानक आग लग गई। ऊंची ऊंची चिंगारी निकलते ही समीप रहने वाले परिवार घबरा गए। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। क्षेत्रीय व्यापारी ने तत्काल विद्युत कर्मी को सूचना दी। तब करीब 15 मिनट बाद बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं निगम का फायर ब्रिगेड भी लापरवाही का शिकार होकर पहुंचा। तब तक नागरिकों ने आग बुझाने के प्रयास किए। क्षेत्रवासी का कहना था, अमित भैया अभी यहाँ पे आग लगी थी थोड़ी देर, क्या कारण रहा, किस तरीके से आग लगी? ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी चिंगारी नीचे गिरी और चिंगारी की वजह से वायरिंग में आग लग गई थी। तो सूचना दी थी कंट्रोल रूम पे। कंट्रोल रूम पे सूचना देने के बाद 20-25 मिनट बाद एमपीपी के जो कर्मचारी वो आए, तो यातायात थाने के पास में होने की वजह से यातायात के कर्मचारी बाहर आ गए थे। 15-20 मिनट बाद आए, जब तक बहुत ज़्यादा आग बढ़ गई थी। कितनी देर में आग इन्हें काबू पाया गया? आग पे 10-15 मिनट के अंदर कंट्रोल में हो गई थी। कोरोना संक्रमण को लेकर हमारे शहर में स्थितियां बिगड़ रही है। शुक्रवार को पहली बार एक साथ 160 पॉजिटिव मिले और 3 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इससे एक युवक की उम्र सिर्फ 27 साल ही थी। हमारे जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। शुक्रवार रात 11:30 बजे रिपोर्ट जारी हुई, इसमें 160 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों में 28 लोगों की उम्र 30 साल से भी कम है। हमारे जिले में सिर्फ 3 दिन में 413 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जो कि चिंताजनक है। 10 दिन में 18 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट के सभी 118 बेड फुल रहे। सामान्य मरीजों के लिए कॉलेज में जगह है। कॉलेज में 568 बेड है, इनमें 300 से ज्यादा मरीज इलाज ले रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। समन्वय नहीं होने से नीचे मरीजों की भीड़ चिंतित और आक्रोशित रहती है। खासकर रेमडेसिविर इंजेक्शन समय पर नहीं मिलने से परिजन परेशान हो रहे हैं, जबकि 140 इंजेक्शन आना बताया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर रेलवे के 5071 आइसोलेशन कोच तैयार है। इनमें रतलाम मंडल के 70 सहित 460 पश्चिम रेलवे जोन के कोच हैं। 4611 कोच बाकी 15 जोन के हैं। हर एक कोच में 16 बेड हैं। जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग स्टेशनों पर खड़े इन आइसोलेशन कोच में करीब 81,136 पॉजिटिव या संदिग्ध मरीजों को भर्ती करके उपचार किया जा सकेगा, एक शहर से दूसरे शहर ले जाया जा सकेगा। इनमें रेलवे और स्वास्थ्य विभाग मिलकर मेडिकल स्टाफ तैनात करेगा। कोविड की इस लहर में रेलवे की पहले की तरह काम कर अपने यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करवा रहा है। रेलवे की व्यवस्थाओं की जानकारी मीडिया को देते हुए मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता ने बताया। आप सभी देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, अलग अलग मीडिया में सुन भी रहे होंगे कि जो अभी नई वेव आई है कोविड-19 की, जो कि शायद पिछली वेव से भी थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से फैल रही है, तो उसके कारण इस तरह से कुछ मीडिया में आ रहा है कि रेलवे की तैयारी नहीं है या रेलवे उसमें सहयोग नहीं कर रही है।
तो उसमें उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ तथ्य बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मीडिया में कुछ सेक्शंस में आ रहा है कि बहुत सारे श्रमिक लोग वापस जा रहे हैं, ट्रेन में कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो ट्रेन का है, ऑक्यूपेंसी रेशो, वो निकाला है। तो जो ऑक्यूपेंसी रेशो हमारा पिछले जब से ट्रेन चालू हुई है उससे जब जो ऑक्यूपेंसी थी लगभग उसी स्तर पे ऑक्यूपेंसी बनी हुई है। किसी भी ट्रेन में, चाहे वो ईस्ट सेक्टर में जाने वाली हो चाहे नॉर्थ सेक्टर में जाने वाली हो, अभी तक कल तक का फिगर मेरे पास है, इस तरह की कोई घटना नहीं है जिसमें कि ओवर क्राउडिंग का हमें पता चले। रतलाम डिवीज़न से ओरिजिनेट होने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेन, साथ ही जो रतलाम डिवीज़न से होकर गुजरती हैं, जो मुख्यतः बॉम्बे और गुजरात से आके नॉर्थ साइड में जाती हैं, उन सभी में कम से कम 75-80% हमारी ट्रेनें चल गई हैं। और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अनारक्षित पैसेंजर उसमें ना चढ़ पाएँ, जो भारत सरकार की पॉलिसी है उसके हिसाब से ही संचालन हो। ये मैं पहली बात बताना चाहता था कि आज की स्थिति में किसी तरह का भी पैसेंजर का अप्रत्याशित कोई भी लोड नहीं है, और हम अपना जिस तरह से पिछले महीनों में ट्रेन चला रहे थे उसी तरीके से चला पा रहे हैं। रही बात स्टेशन पे सुविधा देने की, तो कोविड के समय क्योंकि ट्रेनों का संचालन बंद था, हमने स्टेशन लगभग बंद कर दिए थे। फिर धीरे धीरे कुछ ट्रेन चालू हुई तो हमने बहुत सीमित संख्या में, मुख्यतः जो हमारे बड़े स्टेशन हैं उनको छोड़ के बाकी सभी स्टेशन पे सिर्फ एक प्रवेश द्वार रखा हुआ था। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रेनों का संचालन बढ़ रहा है, रतलाम, इंदौर, उज्जैन ऐसे शहरों में एक साथ दो या दो से अधिक ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, उस स्थिति में हमारे पास सारे द्वार बंद करके एक द्वार चालू कर देना शायद संभव नहीं हो पाएगा। ये पैसेंजर के क्राउडिंग के हिसाब से भी ठीक नहीं रहेगा। तो जिला प्रशासन के साथ बैठक करके हम लोग लगातार इस बारे में विचार विमर्श करते रहते हैं कि किस तरह का उनको सुविधाएं या किस तरह का अरेंजमेंट उनको स्टेशन पे चाहिए, उस हिसाब से हम अरेंजमेंट करते रहते हैं। कमजोरी के कारण बिगड़ी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के लिए परिजनों का आए दिन विवाद हो रहा है। शुक्रवार की रात फिर मेडिकल कॉलेज स्टाफ और परिजनों के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि मेडिकल कॉलेज में अंदर जाने से परिजनों को रोकने पर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। मेडिकल कॉलेज के बाहर ही पूछताछ केंद्र और परिजनों के बैठने और पेयजल की व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। स्टेशन नहीं है, कुछ मेडिसिन नहीं है, किसे लेने जाएगा आदमी? ये खुद ले गया, उसको नहीं हो रहा है, आपने बता रहा हो ये कोरोना लेके जाओ, जेल में लेके जाओ, जेल में जाओ। बिल्कुल दवाई पहले पूछवा उसकी, हमारा मर गया दूसरे का मरा हुआ नहीं देखेंगे। गर्मी के तेज होते ही आगजनी के मामलों ने भी तेजी पकड़ ली। बिरियाखेड़ी स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के गोदाम में आग लग गई। हवा तेज होने से आग बढ़ती गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर नियंत्रण में किया। आगजनी से केबल जलना बताया जा रहा है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है।